हे गाइस, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। विश यू हैप्पी दिवाली गाइस, और सब लोग खुश रहो, मजे करो और बहुत बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखो। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और सभी को बहुत बहुत मुबारक दिवाली की। बहुत एंजॉय करो, मस्तियां करो और क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते रहो ऐसे ही। तो गाइज, आज बेसिकली वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल करेंगे। ये स्पेशल ये है गाइज कि आज पेका, मैं आपको याद होगा कि पेका हमने मैक्स करा था इस वाले अकाउंट में, जो कि रोड टू टाउनल 13 मैक्स का एक एपिसोड था जहां पे हमने पेकाज को मैक्स किया था। पेकाज को मैक्स करने के बाद कुछ खास यूज़ नहीं किया, बट अभी आपको पता है कि कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है पेकाज मैच। तो लेजेंड लीग में मैं कुछ अटैक्स कर रहा था, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं, लेजेंड के अटैक्स भी शेयर करूंगा, उसी के साथ दो लाइव अटैक्स भी करेंगे आज के वाले वीडियो में। तो गाइज, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और क्योंकि आज दिवाली है तो खुशियों का माहौल है। गाइज लाइक कर दो, खुशियां बांटो और फटाफट शेयर भी कर दो वीडियोज़ को। और गाइज, सपोर्ट की बात अगर करूं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। 7 लाख सब्सक्राइबर से काफ़ी क्लोज है हम, तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा मुझे। और उसी के साथ एक सपोर्ट जो आपसे मैं हमेशा मांगता हूँ, वो है मोस्ट सेटिंग्स में जाके क्रिएटर कोड अड्डा डालना मत भूलना। अगर डाल रहे हो बहुत सही है, नहीं डाल रहे हो तो प्लीज़ डालना और चेक करते रहना, क्योंकि हर 7 दिन में एक्सपायर हो जाता है तो आपको फिर से कोड डालना पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइज, ये सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो चलिए फटाफट पहले मैं आपको अटैक्स दिखाऊं, उसके बाद लाइव अटैक्स पे चलेंगे, मज़ा काफ़ी आएगा आज के वीडियो में। ओके, सो गाइज, ये रहा फर्स्ट अटैक, मिस्टर मनी। यस, मिस्टर मनी, मनी भी था उसके पास काफ़ी सारा, आप देख सकते हो लूट वगैरह। ऐसे लेजेंड लीग में तो उसका कोई जाता नहीं है, बट फिर भी तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, 6 पेकास के साथ 2 आइस गोलम। यहाँ पे कभी डिपेंड करता है बेस के ऊपर, कभी क्वीन वॉक तो कभी वार्डन वॉक। यहाँ पे मैंने क्वीन वॉक से स्टार्ट करा क्योंकि वार्डन वॉक मेरे को नहीं लग रहा था कि इतना वैल्यू मेरे को प्रोवाइड करेगा इस बेस में। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर से क्वीन वॉक से शुरू करा, और काइंड ऑफ मेरे को ये चल रहा था कि क्वीन कहाँ जाएगी, राइट को या लेफ्ट को, तो उस हिसाब से मैंने होल्ड किया बाकी अपनी पूरी आर्मी। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं पहले यूज़ कर लूँ और उसके बाद मेरी क्वीन लेफ्ट में चली जाए या फिर राइट में चली जाए और मेरा प्लान जो है वो पूरा चौपट हो जाए, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था। उसके बाद जब क्वीन ने एग्जैक्ट डायरेक्शन वो लिया जो मैं चाहता था, उसके बाद यहाँ पे सीसी में भी काफ़ी सारे आर्चर्स वगैरह थे, तो उसे पॉइजन किया हमने। यहाँ पे स्कैटर शॉट काफी दिक्कत दे रहा था, तो स्कैटर शॉट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता होता है गाइस कि स्कैटर शॉट कितना बड़ा इशू बन जाता है कभी कभी। और मेरे को तो ज्यादा डर पता है किसमें लगता है, अगर हीलर्स के ऊपर लॉक हो गया स्कैटर शॉट, तो क्वीन के ऊपर तो चलो फिर भी क्वीन का हिट पॉइंट काफी अच्छा होता है और हीलर्स भी जो है वो हील कर देती है, बट अगर हीलर्स के ऊपर लॉक हो जाए तो काफी दिक्कत होती है। मैं नॉर्मली 2 ही फ्रीज पर लाता हूँ, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो एक साइड हमने किंग और पेकास को यूज़ करके फनल करना स्टार्ट कर दिया था, एंड यहाँ पे सिंगल फनल ने पकड़ लिया, तो मेरे को अपना लास्ट फ्रीज भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ा। सारे पेकास को हमने सेंटर पे ड्रॉप किए, क्वीन बहुत अच्छे से राउंड मार लिया क्वीन ने, और बाहर के ट्रैश यहाँ पे क्लियर कर रहे थे किंग और पेका मिलके। वॉल ब्रेकर्स मैं 3 ला रहा हूँ, सुपर वॉल ब्रेकर्स, आप चाहे तो 2 भी ला सकते हो क्योंकि 2 जंप स्पेल वैसे भी है, बट फिर भी जितने सारे वॉल आप ओपन कर सको उतना बढ़िया, क्योंकि पेका आपको पता है वॉल में काफ़ी टाइम लगा लेते हैं और स्लो हो जाते हैं यार वॉल्स में, वो दिक्कत होती है। यहाँ पे हमने जंप वगैरह किया, दोनों स्कैटर शॉट काफ़ी क्लोज टू ईच अदर थे, तो वहाँ पे अच्छी वैल्यू मिली मेरे को, और आप देख सकते हो गाइस सारे पेका जंप कर चुके थे। मैंने रॉयल चैंपियन को उसके पीछे सेंड करा, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस बेस के दोनों तरफ सिंगल इन्फर्नो टावर्स है, तो मैं अगर साइड से सेंड करूँ, जो कि बहुत लोग करते हैं या फिर करना चाहिए, तो उस केस में बहुत दिक्कत हो जाएगी रॉयल चैंपियन को, इसलिए मैंने सेंटर में ड्रॉप किया था रॉयल चैंपियन को। किंग को रोश का डाला सिंगल इन्फर्नो टावर ने, तो ये सिंगल इन्फर्नो टावर एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, बट क्योंकि पेकास के ऊपर लॉक था सिंगल इन्फर्नो टावर, तो मेरा रॉयल चैंपियन काफी अच्छी वैल्यू निकाली वहां पे, पेका को सॉरी सिंगल फिनो टार निकाल दिया। स्कोर में आप देख सकते हो गाइस काफी सारे पेका बचे हुए, एक आइस गोलम बचा हुआ है, और आइस गोलम हमेशा आपको काफी हेल्प देता है क्योंकि उसका डेथ के बाद जो फ्रीज होता है वो काफी इमेंस वैल्यू वहां पे प्रोवाइड करता है। हीलर्स काफी सारे निकल चुके थे, एक विजर्ड वगैरह वहां पे आ रहा था, बट वैसे कुछ खास हो नहीं पाया। क्वीन की हेल्थ काफ़ी लो थी और हीलर्स भी ऑलमोस्ट सारे मर गए थे, क्वीन भी वहाँ पे मर गए, बट फिर भी अगर आप देखोगे लास्ट में क्लीनअप का जो प्रोसेस था, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 से 4 पिक का मेरे को दिख रहा है। यस, 4 पिक का अभी भी बचे हुए हैं गाइज। और डिफेंस की बात करूँ तो इतना कुछ खास डिफेंस ज़्यादा बचे नहीं है, 2-4 ही डिफेंस बचे हुए हैं। तो यहाँ पे रॉयल चैंपियन थी फुल हेल्थ में, फुल नहीं हाफ हेल्थ में, बट फिर भी ठीक चल रहा था। अनलकीली वहाँ पे मेरा सिंगल लून जो था उसको माइन लग गया, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। पेकास बहुत सारे बचे थे, अब मेरे को टाइम का थोड़ा इशू लग रहा था, बट फिर भी लास्ट तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लकीली ये एक पेका जो था वो सेपरेट हो गया था और उसने डिसाइड किया कि वो लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट के ट्रैश को क्लियर करेगा। ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब ऐसा होता है ना, और जब नहीं होता है तो आपको पता कितना फ्रस्ट्रेशन आता है। फाइनली क्लीनअप के लिए बस ये बिल्डर हट बचा हुआ था जो पेका के रेंज से तो बाहर था, बट हमारे हीरोज जो हैं उनकी एबिलिटीज़ जो है वो वॉल जंप करके आगे बढ़ सकते हैं, उसके चलते हमने यहाँ पे एक अच्छा ट्रिपल निकाला। तो चलिए अब फटाफट जंप करेंगे दूसरे टैग पे।
पे। ओके सो ब्रो, सेकंड अटैक, और ये बेस काफी काफी कॉमन है, मैंने ये बेस बहुत जगह देखा हुआ है, और आई होप आप लोग भी, आप लोग कमेंट्स में बताना कि ये बेस आप लेजेंड्स में ज्यादा देखते हो या नहीं देखते हो। तो इस बेस में क्योंकि मल्टी इन्फर्नो टार था एक बाहर के साइड में, तो मैंने सोचा कि वार्डन वॉक यहाँ पे काफी अच्छा जाएगा, तो वार्डन वॉक से हमने शुरू किया। यहाँ पे काफी सारे आप देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट डिफेंस भी थे, कैनन्स और आर्चर टार्स, विजिट टार भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मल्टी इन्फर्नो इतना बड़ा थ्रेड नहीं है वार्डन के लिए, तो हमने ये सोच के यहाँ पे शुरू किया था, एक विजिट ड्रॉप किया था कि बाहर का जो क्लीनअप प्रोसेस है या फिर जो फनल करने का स्पीड है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए और वार्डन को थोड़ा कम टाइम लगे। एक वार्ड विजिट हमने ड्रॉप किया, बेसिकली मैं दो या तीन विजिट सेव करके रखता हूँ किंग और पेका के साथ बाहर में फनल बनाने के लिए, बट यहाँ पे विजिट को थोड़ा बैकअप दिया, दो विजिट से सॉरी विजर्ड को बैकअप नहीं दिया, मैं वार्डन को बैकअप दिया। चलो तो वार्डन ने काफ़ी अच्छा किया, बहुत सारे बिल्डिंग्स को क्लियर कर लिया और एक काफ़ी अच्छा पाथ क्रिएट कर लिया था बेस पे। अब पेका और जैसे कि आपको पता है किंग ड्रॉप करके आपको एक साइड अच्छा सा क्लीन अप करना है और विजर्ड जो है वो बैक करेंगे। अब मेरे को यहाँ पे पता चल गया था कि मामला गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा पेका ड्रॉप करना पड़ा ताकि बाहर के जो स्टोरेजेस थे वो क्लियर हो जाए। फिर आपको पता है क्या करना है, आइस गोलिम्स को ड्रॉप करना है, पेकास को ड्रॉप करना है और वार्डन तो वापस आ ही जाता है अपने मेन ट्रूप के साथ, कोर ऑफ ट्रूप्स के साथ। यहाँ पे मेरे को पता था कि इजी टाउन हॉल का एक्सेस मिल जाएगा पिकास को, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लिम्प यूज़ नहीं किया, सीज बैरक यूज़ किया, तो अटैक हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा था और वॉल ब्रेकर से काफ़ी अच्छा किया। आप देख सकते हो दो से तीन लेयर्स जो थे ओपन करके रख दिए थे और उसके बाद हमने जंप करके बिल्कुल कोर में एंट्री ले ली। अटैक काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट सीसी में यहाँ पे विचेस और आर्चर्स आई थिंक ये सब निकले थे, सिंगल इन्फर्नो टार हमेशा से रोस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी मेरे को लग रहा था कि अटैक काफ़ी अच्छा चल रहा है क्योंकि एक साइड के बिल्डिंग्स जो है वो काफ़ी अच्छे क्लियर हो चुके थे, जंप स्पेल का पोजीशन ठीक था, सारे ट्रूप्स जो है कोर में आ रहे थे, कुछ खास डैमेज भी नहीं लिया था हमने यहाँ पे, और एक और जंप यहाँ पे हमने यूज़ किया ताकि बाकी जो पेका है उनको भी अच्छा एक्सेस मिले। रेज स्पेल भी यूज़ कर लिया क्योंकि रेज स्पेल आपको पता ही है पेका भाई बहुत ओपी हो जाता है। फाइनली यहाँ पे हमने अपने रॉयल चैंपियन यूज़ करी, स्कैटर शॉट जो था वो निकलते निकलते रह गया था, एकदम सच में बता रहा हूँ, मतलब 1 HP रह गया था स्कैटर शॉट। अब देखोगे अभी यहाँ पे एक शॉट और आई थिंक कि रॉयल चैंपियन का एक हिट और लगता तो हो जाता काम, बट फिर भी पेकास ने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया और क्वीन की एबिलिटी बची थी, किंग की एबिलिटी बची थी, किंग की एबिलिटी हमने यूज़ की फटाफट ताकि जो बाहर के बिल्डिंग्स है टेस्ला फार्म से वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। और भाई ये किंग का स्किन क्या गजब स्किन है, और उसके साथ जो बारबेरियन स्पॉन होते हैं वो तो एक अलग ही लेवल में होते हैं, तो काफ़ी अच्छा चला हमारा अटैक। और अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे दो और एक तीन पेका बचा हुआ है, यहाँ पे एक चार, तो लास्ट अटैक भी आपने देखा था चार पेका बचे हुए थे, यहाँ पे भी आपने देखा चार पेका बचे हुए हैं और बाद में क्लीनअप जो है वो भी पेकास के चलते काफ़ी स्पीड हो जाता है क्योंकि पेकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं। सो अटैक्स काफ़ी अच्छे चले हमारे, यहाँ पे 2-3 स्टार्स हमने निकाले, और भी कुछ अटैक्स थे जो काफ़ी क्लोज टू 90-95% रहे, कुछ बेसिस ऐसे थे रिंग टाइप के बेसिस में, मैं ज़्यादा ये अटैक मैं सोच नहीं रहा हूँ करने का, बट यही है लेजेंड लीग में आप सोच नहीं सकते, जो बेस आएगा उसी पर अटैक करना पड़ेगा। चलिए अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट लाइव अटैक्स की। अब लाइव अटैक्स की बात करूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बट कोई नहीं, हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं इस बारे में, आराम से अटैक करेंगे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा माइक को सेट कर लेता हूँ एंड हियर वी गो, चलो फटाफट अटैक करेंगे लाइव अटैक। फर्स्ट अटैक, लेट्स सी क्या होता है, क्या हम अच्छा ट्रिपल निकाल पाते हैं या नहीं पाते हैं। ओके सो ये बेस मिला है मेरे को और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी कैमरा की बैटरी काफ़ी लो हो गई है, अगर गाइज यहाँ पे कैमरा बंद हो गया मेरा तो मेरे को माफ़ कर देना, फिर मैं सिर्फ गेम प्ले ही डाल पाऊँगा, ठीक है। ओके चलो सो शुरू करेंगे, ये बेस थोड़ा ट्रिकी बेस है यार, कहाँ से शुरू करूँ, थोड़ा सा आई गेस कि यार ये बेस काफ़ी ट्रिकी बेस लग रहा है मेरे को, ये इतना आसान नहीं होगा। ओके कोई नहीं, चलो क्वीन वॉक से शुरू करेंगे यहाँ पे, ड्रॉप करता हूँ एक लून यहाँ पे अपने हीलर्स को और बस शांति से यहाँ पे आराम से बैठेंगे, क्वीन को थोड़ा आगे बढ़ने देंगे और उसके बाद आइस गोलम को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेड सिग्नल आ रहा है मेरे को यहाँ से, तो थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा है, चलो कोई नहीं, रेज करना पड़ेगा यार, किंग आने से पहले मेरे को वहाँ पे गलती कर दी मैंने। ओके यहाँ पे भाई खतरनाक कॉम्बिनेशन निकला है यहाँ पे सीसी से, चलो तो थोड़ा फंस सकते हैं हम लोग गाइस, तो थोड़ा हम लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी। पता नहीं क्या होगा यार, जल्दी। ओके निकल गया टाइम पे, मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था वहाँ पे, चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक और आइस गोलम सेंड करते हैं, आई थिंक कि आइस गोलम की वैल्यू यहीं अच्छी मिलेगी। चलो एक और रेज करेंगे गाइस, बार बार बोल रहा हूँ कैमरा ऑफ हो गया तो मेरे को कुछ ज़्यादा मत बोलना, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ओके सो क्वीन काफ़ी सही चल रही है यहाँ पे, आई थिंक हम आई वॉल ब्रेक करते हैं, ओहो वॉल ब्रेक गलत जगह में हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है
स्कैटर काफ़ी डैमेज दे रहा है भाई, यहाँ पे फ्रीज मारना पड़ेगा। एक रेज हमने काफ़ी इन्वेस्ट कर लिया है तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है हमें। किंग को यूज़ करता हूँ तब तक एक पेक्का के साथ, एंड क्वीन की एबिलिटी हमें यूज़ कर लेनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं अगर रेज करूँगा तो कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। यहाँ पे ये करते हैं, आई थिंक कि मेरे को रेज करना ही पड़ेगा क्वीन को, मैं क्वीन को गवा नहीं सकता यहाँ पे, क्वीन को मेरे को चाहिए होगा। ओके स्कैटर स्कैटर, ओके एक स्कैटर तो हमने निकाल लिया, फाइन। ओके तो अभी मेरा किंग ठीक है, कोई नहीं। पेक्काज को हम ड्रॉप करेंगे अब यहाँ से, एक पेक्का और, नाइस। क्वीन ने अच्छा पाथ बना लिया, दो मेरे को पता है कि मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेल्स वगैरह बचे नहीं हैं, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैनेज करने की इस बेस में। एक जंप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड आई विल होल्ड माई ब्लिम्प। ओके वार्डन को सेंड करते हैं यहाँ पे, नाइस। एंड यहाँ पे सेंड करेंगे ब्लिम्प को। थोड़ा सा मेरे को पेशेंस रखना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकता मैं अब, क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ा प्रॉब्लम में हम पड़ चुके हैं। यहाँ पे हीलर्स भी मैं गवा रहा हूँ, वार्डन एबिलिटी आई थिंक कि मेरे को यूज़ कर लेना चाहिए। रॉयल चैंपियन नहीं, शिट मैन दैट वाज सो बैड। ओके कोई नहीं, ठीक है चलो, एक पिक्का अंदर आ चुका है, क्वीन बाहर है, दिस इज़ लुकिंग बैड यार। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी भी हमारे पास होप है, होप लेफ्ट। ओके सो यहाँ पे करेंगे जंप, मेरे पिक्काज आ रहे हैं वैसे, जंप करेंगे यहाँ पे। नो 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 नो, ठीक है कोई नहीं। 26 अरे पेक्का कहाँ से कहाँ जा रहे हैं यार। ओके कोई नहीं, पेक्का फाइनली फाइनल कंपार्टमेंट में आ चुके हैं और अभी तक मेरा कैमरा ऑन है विच इज़ ऑसम। विजर्ड था एक, फाइनल विजर्ड यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ। पेक्काज ने काफ़ी अच्छा किया बाय द वे, यहाँ पे आप देख सकते हो येटी भी है। टाइम फेल एक तरीके से होगा, या टाइम फेल नहीं, टाइम फेल नहीं, वैसे मेरे ट्रूप्स भी ऑलमोस्ट मर चुके हैं, बट फिर भी अटैक जो है वो काफ़ी डिसेंट गया हमारा। दो बेस काफ़ी ट्रिकी बेस था और मैंने टाइम भी काफ़ी ले लिया था पहले क्वीन वॉक में, तो ठीक रहा अटैक, बैलेंस्ड अटैक था। बट नेक्स्ट अटैक में कोशिश करते हैं कि एक ट्रिपल अगर निकाल सके तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ओके गाइस, झटपट मैं चार्ज थोड़ा सा दे लिया और फिर कैमरा आई थिंक कि अब शायद ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेकंड अटैक पे चलते हैं। फर्स्ट अटैक ठीक रहा, थ्री स्टार नहीं हुआ, बट इस बार पूरी कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं कि कैसा बेस मिलता है, सब कुछ डिपेंड करता है बेस के ऊपर। ओके ओके ये बेस मिला है क्या, ठीक है। कौन से साइड से जाएंगे, दो ग्राउंड दो एयर भाई साहब। ओके ठीक है, प्लान कुछ ऐसा है सच बताओ तो कोई प्लान नहीं है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है फाइनली यहां से जाते हैं, तो ये ड्रॉप किया क्वीन को, यहां पे करेंगे अपने हीलर्स को ड्रॉप। प्लान एक छोटा सा प्लान तो है कि क्वीन को इस जो ओपन कंपार्टमेंट है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे पाथ कराने की कोशिश की जाएगी। आई थिंक कि क्वीन जाए वहाँ, अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है फर्स्ट रेज करना ही पड़ेगा क्योंकि तीन तीन एक्सपोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बम बरसा रहे हैं। ओके कोई नहीं, एक ओ फंस गए भाई, फंस गए। इसको फ्रीज करना पड़ेगा। अब बैकअप प्लान ये है कि रॉयल चैंपियन को यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, क्वीन की एबिलिटी यूज़ हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, मैं उसको वो भी नहीं करूँगा। ठीक है ड्रॉप करेंगे यहाँ पे एक और रेज, यहाँ पे रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं, नाइस। अरे नहीं 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 नहीं, रॉयल चैंपियन के ऊपर नहीं जाना था हीलर्स, अरे यार। ठीक है कोई नहीं, फटाफट अपने प्लान को चेंज करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे एक्सबो को सेंड करेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, हो जाता है भाई ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे दिमाग ख़राब बातें निकल जाती हैं मुझसे। ठीक है एक दिक्कत पता है क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत वो ये है कि क्वीन जो है वो मरने वाली है। ब्लिम को यहाँ से सेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा भी नहीं बचा है हमारे पास, फाइन। यहाँ पे ड्रॉप करूँगा इसको, यहाँ पे करूँगा एबिलिटी के, यहाँ पे करेंगे पॉइजन, रेज करेंगे ब्लिम को क्योंकि टाउन हॉल का एक्सेस चाहिए होगा हमें, मतलब टाउन हॉल चाहिए हमें, तो टाउन हॉल तभी मिलेगा ना जब वहाँ पे रेज रहेगा। टाउन हॉल को फ्रीज भी मारना पड़ेगा भाई, ब्लिम तब से वहाँ पे झूले जा रहा था। ओके सो दिक्कतें बहुत आ गई हैं गाइज अटैक पे, आपको तो दिख ही रहा है सब कुछ, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके डैमेज कंट्रोल करें। पेक्काज जो है वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि जाए कहाँ, तो पेक्काज को थोड़ा प्रॉब्लम पड़ी है। पेक्काज मेरे विजर्ड यहाँ पे दोनों, रे रे रे। ओके वार्डन बेचारे पेक्का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सिंगल इन्फर्नो टार्स जो है वो पेक्का के दुश्मन है बहुत बड़े, तो क्या करूँ यार, कोशिश तो पूरी थी। पेकाज ने ठीक ठाक काम किया वैसे, मैं उनके ऊपर ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं पहले से पड़ गए थे। आई थिंक कि मेरे को ये वाला जो बिल्डिंग था ना यहाँ पे, इसको पहले पाथ कर लेना चाहिए था, उसके बाद ही मेरे को बाकी सारी चीज़ें ड्रॉप करनी चाहिए थी।
66% 2 stars, थोड़ा सा दिल टूट गया यार। कोई नहीं, बट फिर भी ठीक है, चलो आने वाले टाइम पे और अटैक्स करेंगे। मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करूँ और वो भी लेजेंड लीग के अटैक्स पिकास मैच के साथ, क्योंकि पिकास मैच मेरे को सच में बहुत पसंद आ रहा है, और भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करेंगे। बट गाइज आज की वीडियो में इतना ही, दिवाली वीडियो है, मेरे को भी निकलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बहुत सारा काम है, पूजा करने जाना है और भी बहुत कुछ काम है। तो आई होप वीडियोज अच्छे लगे आपको, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और स्ट्रीम करने की कोशिश पूरी करूंगा आज, मेरे को करने का भी मन है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा, एंड एज ऑलवेज जय हिंद, बाय।